छोटा था ना, फिर आज जो विरोध कर रहे हैं वो जात से डर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप गलत हो, सारे विरोध कर रहे हो, तो मैं जानता हूँ हर एक को अपनी सीट के लिए दर्द होता है, उनको लगता है कि मैं उनकी सीट खा रहा हूँ। मैं गलत के लिए, गलत कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, अपनी जान जोखिम में डालकर पैसे कर और 10 को अपने साथ यहाँ पे रख के। हम भी किसी के बाप बच्चे हो सकते हैं, हमें शौक नहीं है कि गली गली जाके अच्छा कमाते और ईमानदारी से स्किल्स हैं, किसी का जेब नहीं काटते, कोर्स भी निकालते तो शौक से कहते हैं ये देंगे, ये कर सकते हैं, और क्वेश्चन डिट्टो फंसाते हैं और दिखाते हैं बच्चों को कि ये फंसाया है। कहानी क्या है कि तुम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, तुमने कुछ सीखा है अपने जीवन में, तो नहीं तो ये शिक्षा, ये संस्कार सब बेकार है, कल वही गलत तुम्हें किसी रूप में आगे अपने साथ मिलेगा, किसी रूप में साथ मिलेगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी, वहां जरूरत आएगी भैया हमारे लिए आवाज उठाओ, तुम्हारे साथ गलत हो रहा होगा मैं तुम्हारे साथ भी आवाज उठाऊंगा। कहानी क्या बच्चा कि यहाँ पे हुआ है गड़बड़, गड़बड़ नहीं होती यार, तुम अखबार ही पढ़ लो, मैं झूठा, ये सब झूठे, सारा संसार झूठा, जो पकड़े गए वो तो सत्य है ना, उन्होंने जो तरीके बताए वो तरीकों से किसी एक या 70 की चीटिंग की बात नहीं उठ रही है, वहां उठ रही है हजारों ने चीटिंग की है, उसको देख के सबको पता लग रहा है कि वहां बहुत ज्यादा लोगों ने मास लेवल पे चीटिंग की है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आवाज उठा के भूखे पैसे पड़े हैं। आप गलत हो तो लिख दो कि सर हट जाओ वहां से, कभी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और जो आज बहुत खुश है घर पे बैठ के, जिन्होंने एसआई में पढ़ाया था और वो सोच रहे हैं कि बच्चों का सपोर्ट ना करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप दुनिया ये हर ऐसा जो अगर ये नहीं पकड़े गए ना, हर वैकेंसी में ऐसा होगा। उसको क्या तुक्के से 155 क्वेश्चन ठीक हो जाते, मजाक बना रखा इस व्यवस्था का। जाहिर सी बात है, या तो आप स्टूडेंट का साथ किसी स्वार्थ से नहीं दे रहे हैं, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं अगर आप आ नहीं सकते तो। जब तो 100-150 लोगों ने पढ़ाया था, आज पढ़ाने वाले 4 लोग मौजूद हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ 50 बच्चों का रहना बनता था? अपनी क्या हक के लिए केवल 50 को नौकरी मिलेगी? आप अपने घरों में बैठकर ट्वीट और या कमेंट में क्या समझते हो आप लोग अपने आप को? 5-10 के साथ नौकरी नहीं मिलती है, तुम्हारी सीट किसी और ने ली है, याद रखिएगा। एक फर्क है, तो तुम एकदम कायर और तुम एकदम दब्बू हो, और उसमें एक फर्क है, उसके बाद पैसे भी हैं और पैसे देने का दम भी है, और वो सीट तुम्हारे हाथों से छीन के ले गया, तुम्हारे नाक के नीचे से, और तुम सिर्फ देख रहे हो अपने घर से बैठ के कि मेरी आवाज विवेक उठाए या कोई सुभाष उठाए जाके। संख्या को सुनाता है, चाहे लल्लन टॉप हो चाहे आज तक, वो सब संख्या के बल पे नाचते हैं। फिर उन विपक्षी नेताओं को मेरा एक, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे जब आप सत्य के खिलाफ, सत्य के साथ ही नहीं खड़े होगे। घर से बैठ के संगमरमर की दीवारों में से नहीं संघर्ष किए जाते हैं। ये सरकार के खिलाफ सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ, सीधे अधिकारी शामिल है, हो सकता है सरकार का कोई बड़ा अधिकारी शामिल हो, तब भी आप सोचो नहीं उठा पा रहे हैं। सबूत है हमारे पास, लो हमसे सबूत, FIR लो पुलिस की, पुलिस की बाइट लो, उनके बयान लो जिनको पकड़ा गया है, अखबार की कटिंग लो। आज मीडिया अखबार से तो सबको दोषी मान लेती है, हैं तो वो दोषी क्यों नहीं हुए? वो तो ऑफिशियल दे रहे हैं, पूरा अखबार पूरी व्यवस्था छाप रहे हैं, अखबार पूरी व्यवस्था छाप रहे हैं। ये शर्म की बात होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। घरों से बैठकर नहीं, हम अशांति से बैठे, कोई पूरे लखनऊ में बता दे कि हमने एक नारा भी गलत लगाया हो। हम केवल भर्ती बोर्ड की बात कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड का, और हम में भी कोई इतना दम नहीं है कि हम 30 दिन बैठ जाएं। भूखा प्यासा आदमी गर्मी में कितने दिन तक बैठ सकता, 3 दिन 4 दिन? तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, हाई लेवल का, पूरे के पूरे सेंटर बिके हुए हैं। नहीं समझ में आ रही तो अखबार पढ़ना शुरू कर दो, गधे मत रहो, यूट्यूब पे देख लो, सामने सामने इंटरनेट की नई लाइन डाली गई, छुपाई हुई लाइन, जहां से कंप्यूटर को हैक करके एक बच्चे के लिए नहीं डाली होगी, 100 हजारों के लिए डाली होंगी। अब इनका जमीर अलाउ करेगा तो आएंगे, यहाँ पर मेरी दावत नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊंगा, मैं क्यों बुलाऊं? हम यहाँ पे हम किसी की उसके लिए नहीं है ना, दावत में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपको दिखा, सब बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ एक बार सारे। ये जो बच्चे हैं बैठे हुए सही से, ये यहाँ से ये देखना शुरू करो, ये सब स्टूडेंट है,